सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता है। यहां पर अरविंद पांडे चुनाव जीते और साथ ही साथ किशोर उपाध्याय भी चुनाव जीत गए टिहरी से। तो टिहरी से किशोर उपाध्याय और अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री जो कि गदरपुर से चुनाव जीत गए, तो ये उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार जो अरविंद पांडे शिक्षा मंत्री चुनाव जीते और साथ ही साथ किशोर उपाध्याय भी टिहरी से चुनाव जीत गए हैं। तो दो ये बड़े नाम, बड़े चेहरे जो कि चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, सामने चुनाव जीत गए हैं। तो उत्तराखंड में ये पहली बार, मैं बार बार बता रहा हूं कि पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता हो। आज तक उत्तराखंड के इतिहास में नहीं हुआ कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता हो। तो ये देखिए कि उत्तराखंड के इतिहास में जो नहीं हुआ, आज इतिहास दरअसल बदला जा रहा है, इतिहास बनाया जा रहा है। आज एक तरफ हरीश रावत साहब चुनाव हार गए और इतना लंबा मार्जिन 14,000 वोटों का, तो दूसरी तरफ ये देखिए गदरपुर से अरविंद पांडे जीत गए हैं पहली दफा। ऐसा कभी नहीं हुआ उत्तराखंड के इतिहास में कि कोई शिक्षा मंत्री चुनाव जीता। तो ये देखिए आप, गदरपुर से अरविंद पांडे साहब शिक्षा मंत्री चुनाव जीत गए पहली बार उत्तराखंड के इतिहास पर। तो ये देखिए आज उत्तराखंड तो इतिहास पर इतिहास बना रहा है, वन टू बैक इतिहास की खबरें आ रही हैं। बड़ा प्रत्याशित सा हो रहा है उत्तराखंड में कुछ, ये देखिए आज।